अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और अपना छुट्टियों का काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे और लिखने के काम के साथ साथ आप उसको अच्छे से याद भी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि आज हमारा फोर्थ डे है होमवर्क का, जो आपको बताया जाता है रोज़ का रोज़ कि आपने इसको ऐसे लिखना है। सबसे पहले तो आपने अपनी नोटबुक पे अपना नाम लिखना है, क्लास, सेक्शन, इसके अलावा आप मार्जिन लाइंस लगाएंगे, पेज नंबरिंग करेंगे और इंडेक्स बनाएंगे, ठीक है। ये करना बहुत ज़रूरी है, आपको पता है कि इस चीज़ के भी आपके मार्क्स होते हैं। और आपने बहुत नीट लिखना है, आपने उर्दू का ख़ास तौर पर लिखते हुए कट पेन का इस्तेमाल करना है, कट मार्कर का इस्तेमाल करें और हेडिंग ज़रूर दें, ठीक है। तो चलते हैं आज के काम की तरफ जी। तो पेज नंबर 21 पर आपके पास टॉपिक है तहारत पाकीज़गी, तो इसी से रिलेटेड आज हम कुछ लिखने का काम करेंगे, ठीक है। आप ये देख लें, आपका जो पेज नंबर 21 है उस पर तहारत पाकीज़गी वाला टॉपिक है। तो नेक्स्ट चलते हैं जो आज आपने काम लिखना है जी। तो लिखने का जो आज का आपका काम है वो पेज नंबर 23 पर है, वुजू, गुसल और तयम्मुम के आदाब। तो इसमें ये आपका छोटा सा टॉपिक है, इसमें आपको लिखते हुए कोई मसला भी नहीं होगा, बर्डन भी फील नहीं होगा रोज़ का रोज़ काम लिखते हुए। तो देखें आप, वज़ू और तयम्मुम करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें। वज़ू और गुसल के लिए जगह और पानी का पाक होना ज़रूरी है। गुसल के लिए कपड़े उतारने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें। वज़ू और गुसल के लिए हस्ब ज़रूरत पानी इस्तेमाल करें। तयम्मुम के लिए पाक और खुश्क मिट्टी का इस्तेमाल करें। उम्मीद है इस चीज़ की आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। सबसे पहले तो ये है कि आपने वज़ू और तयम्मुम करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी है, और गुस्ल के करने से पहले जब आप कपड़े उतारें तो फिर भी बिस्मिल्लाह पढ़नी है। इसके अलावा पानी का जितनी ज़रूरत हो उतना ही इस्तेमाल करें, ज़्यादा पानी को ज़ाया ना किया जाए, ठीक है। तयम्मुम के लिए पाक और खुश्क मिट्टी का इस्तेमाल करें। तो ये आज का आपका इतना ही काम है, इसको आपने अच्छे से करना है। और इसके साथ जो आपका याद, जो आपका सिलेबस है वही आपका सेकंड टर्म में होगा, तो उसको भी आपने अच्छे से याद करना है, ताकि जो फर्स्ट टर्म में जो आपकी कमियां रह गई हैं वो सेकंड टर्म में पूरी हो सकें। उम्मीद है कि आप अच्छे से काम करेंगे, चीज़ को इसको समझ के करेंगे। तो आज का आपका इतना ही काम है। फ़ी अमानिल्लाह।